नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अविनाश। फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी जो ये सिलसिला है, हम एल रॉड से हिंदी में पानी कैसे खोजे, तो एक जो प्रश्न था बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये जो एल रॉड है वो किससे बने हैं, उसकी साइज क्या है और हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये एल रॉड्स बनाना। आपको एक लंबी सली लेनी है जो कम से कम ये कम से कम 11 से 15 इंच हो और ये 5 इंच से 6 इंच तक, ये एल का छोटा एल है वो। इसका जो डायमीटर है ये आपका 3 mm या 4 mm या 5 mm। 5 mm बहुत बड़ा होता है, 3 mm से 4 mm तक अगर ये डायमीटर हो तो भी आपको चल सकता है। तो एल रॉड्स लेने के बाद आपको समझो ये 11 इंच है और ये समझो 5 इंच है, तो 11 और 5 16 इंच का आपको एक रॉड लेना पड़ेगा और उसको यहाँ पे 5 इंच के बाद उसको बेंड करना पड़ेगा, तो आपका एल रॉड्स तैयार होता है। आपको ऐसे दो बनाने होंगे ताकि आप दोनों हाथ में आप पकड़ सके। तो ये दो एल रॉड्स बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। अब आता है ये किसका बना है। ये जो बना है ये तांबे का बना है, कॉपर हम बोलते हैं, कॉपर का बना है। आप पूछेंगे कि तांबे का क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी में की इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होने के लिए तांबे की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इससे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की। इसलिए आप अगर आपके इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह देखोगे तो वो तांबे के बने हुए रहते हैं। जो तांबे के वायर्स रहते हैं, बड़े से इलेक्ट्रिकल वायर्स जो रहते हैं जहां से आपको बिजली आती है, वो सब तांबे की बनी होती है। अगर आपको चाहे तो आप ये चांदी के भी बना सकते हैं, पर चांदी के बहुत नाजुक होते हैं, वो टूटने के या बेंड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये थोड़े टफ होते हैं और ये आप किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज ऐसी है सब, जो आपके हाइट के हिसाब से अगर आपने देखा तो रॉड्स ऐसे बनने चाहिए कि अगर समझो आपने घुमा है, ये रॉड्स घूमे तो ये आपको आपके जो हाथ है जब बेंड होने के बाद, ऐसा ऐसा जो हाथ है ये बेंड होने के बाद आपके हाथ के ऊपर नहीं आए, ये आपको इधर इधर टच ना हो जाए, तो इतना लेंथ आपका होना जरूरी है। इससे कम तो ये रॉड्स ऐसा आप घूम सकते हैं। ये रॉड्स है समझो, ये अगर घूम भी गए जोर से, कभी कभी क्या होता है कि हमारे रॉड्स इतने जोर से घूम सकते हैं कि हमें लग सकते हैं। तो इतने लंबे चाहिए कि आपका जो हाथ का लेंथ है वो हाथ के लेंथ से कम होने चाहिए, नहीं तो आपको लग सकते हैं। तो कभी कभी जो आपका रेडिएशन लेवल्स कभी ज्यादा होते हैं उससे ये रॉड्स बहुत जोर से घूमते हैं। आपको समझ में आया होगा ये रॉड्स हम कैसे बनाते हैं और किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है। आपके वक्त के लिए, आपने मेरे वीडियोस देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।